चोरी करने वाला चिरो इस कार ट्रैप में फंस गया है। उसने सारे हथकंडे अपना लिए लेकिन वो अभी भी इस कार से बाहर नहीं निकल पाया है। अब वो अपने बैग से गन निकालकर सामने वाले शीशे पर चलाता है लेकिन शीशा फुली बुलेट प्रूफ होने की वजह से गोली रिफ्लेक्ट होकर उसी के पैर में लग जाती है, जिससे चिरो की मुसीबत और भी बढ़ जाती है। वो खून को रोकने के लिए गांव पर अपनी टी शर्ट लपेटता है, तभी देखता है कि बाहर एक औरत आती है जो कि इस कार के शीशे पर अपनी लिपस्टिक को ठीक कर रही होती है। इससे ये पता चलता है कि इस कार के सभी शीशे फुली ब्लैक है, जिससे बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं देख पाएगा। चिरो देखता ही रहता है और वो औरत भी वहां से चली जाती है। चिरो अब फोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। अब वो बुरी तरीके से इस कार में फंस गया है, ना ही उसके पास कुछ खाने को है और ना ही उसके पास पीने को। अब आगे इसके साथ जो होगा वो और भी भयानक होगा, जिसके लिए आपको पार्ट 3 देखना होगा, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दी हुई है।